अस्सलाम वालेकुम सिटी 42 के प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। आज हम सुपीरियर यूनिवर्सिटी में हैं और यहां पर आए लोगों से हम करने वाले हैं खूब चिट चैट, मज़े की बातें होंगी, उनसे कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, उनका इल्म अच्छा ही होना चाहिए, एक्सपेक्ट तो यही करते हैं। अब देखते हैं कि कितने लोग आंसर करते हैं। इसके अलावा कुछ पहेलियाँ होंगी, तो आइए हम चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम बिलाल है जी। बिलाल कौन से सेमेस्टर? मेरा थर्ड सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर चल रहा है हमारा। सब्जेक्ट क्या है? हमारा फॉर्म डी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कितना क्या सीख लिया अभी तक यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी से भी कुछ सीखा है कि यहाँ पे ना किसी के साथ दिल नहीं लगाना आके ना। दो सेमेस्टर में दो ब्रेकअप हो चुके हैं। तो आप यहाँ ब्रेकअप और पैचअप के लिए आए थे क्या, पढ़ने के लिए आए थे? आए तो पढ़ने के लिए थे ना, लेकिन बाद में भूल गए ना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक दफ़ा ब्रेकअप हुआ तो फिर दोबारा से क्यों आपने? गलती ना मेरी, सीखा नहीं, अब दूसरी दफ़ा सीख लिया। अब नहीं किसी के साथ सीन ऑन करना? नहीं, अब नहीं करेंगे। चलें ठीक है, ये आपने अच्छा सबक सीख लिया है। आपसे मैं एक सवाल करती हूँ, ठीक है? दिमाग कितना काम करता है? मेरा जितना दिमाग है उतना टोटल काम करता है। रेनबो के एंड पे क्या आता है? रेनबो के एंड पे क्या आता है? डब्ल्यू होता है। बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। आप मुझे बताओ किसी ऐसे मुल्क का फ्लैग जिसके जिसपे अजदहा बना हुआ है। जिसपे अजदहा बना हुआ है? नहीं, कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया? यानी कि अभी तक आपने कुछ सीखा नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं सीखा। आप मुझे बताओ कि आपको दोस्तों की सबसे बुरी बात क्या लगती है? दोस्तों की बुरी बात यही लगती है कि मतलब बैठ के खा रहे हैं तो फ्रेंडशिप है, जब फ्रेंडशिप टूट गई तो वो बातें रिवील करना शुरू कर देनी, सीक्रेट मतलब बाहर, ये बात। आप ऐसे नहीं करते? नहीं, मैं ऐसे नहीं करता। चलिए अच्छी बात है यही। और आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी आते हैं भाई पढ़ने के लिए तो पढ़ें, लड़कियों के चक्करों में कुछ नहीं रखा हुआ, दो ब्रेकअप करवा के तो पैसे पूछे जाया करके 1,00,000 रुपया दो सेमेस्टर में लड़कियों पे लगा दिया, फीस तो लादा। कैसे 1,00,000 लगा, मतलब क्या उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती थी? वो भी रिक्वायरमेंट्स थी पूरी। एक आज भी मैसेज आया हुआ था, मैं चलो देखते हैं अभी क्या करना है, वो मेवला इनका वो कंसीलर वगैरह गए थे इम्पोरियम से ला दो ये वो, तो फिर मैंने कहा आपका ब्रेकअप हो चुका है फिर भी कहती है? वो फ्रेंड है, कहती मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन उसने पैसे देने नहीं इसलिए मैं नहीं जा रहा। यानी कि ये भी काम कर चुके हैं लड़के लड़कियों के लिए कि मेबेलिन का जो प्राइमर है कंसीलर है वो भी इम्पोरियम से आपका 1,00,000 लगा मेकअप पर। हाँ, मेकअप नहीं, मेकअप की जरूरत थी उसे। बॉडी काली सी ना हो तांगर, बॉडी काली सी ना हो तांगर। अच्छा ऐसे क्यों है पाकिस्तान में कि जो काले लोग हैं उनको वो होता है कि हम गोरे हो जाएं, और मतलब ये कॉन्सेप्ट क्यों है, ये रेसिज्म क्यों? नहीं, काला रंग भी सूट करता है, बाकी ये है कि वो मतलब बेवकूफ़ी होते हैं उनकी, जो अल्लाह ने कलर दिया वो बेस्ट है। सही। आप अभी शेयर क्या करोगे? शेयर मैं यही करना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो जो मतलब एम ले कर आ रहे हैं, माँ बाप ने पैसे खर्च किए हैं, वो माँ बाप के जो ख्वाब हैं सपने हैं उनको पूरा करें, लड़कियों के पीछे ना भागें, लड़कियों से अवॉइड करें और जो मर्जी करें। कोई गाना? हाँ सुना देता हूँ गाना। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, ना सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा मेरे जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। थैंक यू। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ईशा इरशाद। ईशा कौन से सेमेस्टर में हो? सेकेंड सेमेस्टर में हो। ईशा क्या सीखा है अभी तक यूनिवर्सिटी से? बहुत कुछ। जैसे कि आपने प्रेजेंट कैसे करना है अगर किसी के सामने खड़े हैं, तो खड़े होने का तरीका, बात करने का तरीका, ये सब कुछ बहुत। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जनरल नॉलेज कैसा है आप? अच्छा है, बस ठीक है, नॉर्मल ठीक है। ठीक है, आपसे एक सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी ज़ुबान हिला नहीं सकता? सोचें ऐसा जानवर हो सकता है जो अपनी ज़ुबान ना हिलाए, सोचें ज़ुबान नहीं हिलाता तो खाता कैसे होगा, और मतलब हैरानी वाली बात है कि कौन सा ऐसा जानवर है?
नहीं पता, नहीं हिला सकते इंसान ही होंगे, इंसान की तो जुबान रुकती नहीं है ना। अच्छा कौन सा ऐसा इंसान है जो जिसकी जुबान नहीं हिलती, आप मुझे बताएं। आपने कहा ना इंसान ही होगा, तो मैंने कहा शायद आपने कोई देखा हो ऐसा इंसान। नहीं नहीं मुझे नहीं पता। आप शेयर क्या करो? मैं सॉन्ग एक मेरा यारा एक यारी यही अरदास है मेरी, वही मेरा सच है वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी, रूठे नु मनाना दा नहीं है कदी भी ना रूठना तू मुझसे, आप बस सीखे यारी निभाना जब से जुड़ी है जान तुझसे, यारा मेरे खर मंगदा मैं तेरी रब्बा से, यारा खर मंगदा मैं तेरी, यार बिन जीना सिखा दे ओ रब्बा मेरे खर मंगदा मैं तेरी। गाना गाया आपने। आप मुझे बताओ ईशा, आप खाना बना लेती हो? जी बना लेती। क्या क्या पका लेती हो? मैं मुझे ना बस प्रेशर कुकर में थोड़ा होता है। प्रेशर कुकर के अलावा वाली कोई रेसिपी बता दो। बिरयानी बना लेती हूँ। फिर बताओ कैसे बनाते हो? कैसे बनाती हूँ, पहले पानी रखते हैं ना, फिर चावल उबालते हैं उसके, और फिर चिकन को थोड़ा भूनते हैं। नहीं सबसे पहले चावल नहीं उबाल के रख देना। सादे चावल ही बना दिया तो वही बता देती हूँ। नहीं बिरयानी का आपने कहा था वही बतानी पड़ेगी अब। फिर उसके बाद उसका मसाला बनाते हैं चिकन का ना, तो उसके बाद चावल मिक्स करते हैं, उबले चावल जो होते हैं वो। अब ये मसाला हमें कौन बताएगा कैसे बनाना है? मसाला हम अपनी अपनी चाय सती कोई किस तरह बनाता है कोई किस तरह बनाता है, अब ये तो मुझे नहीं पता। वैसे अक्सर जो होता है ना वो मैं पहले भूनती हूँ चिकन, फिर उसके बाद प्याज वगैरह का तड़का लगा देते हैं ना, तो फिर उसमें से सारी नमक मिर्च वगैरह डाल के फिर उसके बाद चिकन जो भुना हुआ होता है वो उसको डालते हैं अंदर, और फिर उसको भी बंद कर देते हैं ताकि थोड़ा बॉयल हो जाए, और फिर उसके बाद चावल जो बॉयल हुए होते हैं वो फिर सालन में डाल देते हैं, फिर उसको दम पे रख देते हैं बस में। ठीक है जी, अगर आपको वो कॉल बन गई बिरयानी, उम्मीद है अच्छी बन जाए। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। 12 संडे 12 मंडे, थोड़े डंडे थोड़े अंडे, बोलती जाएं। क्या 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 12 संडे 12 मंडे, थोड़े डंडे थोड़े अंडे। 12 संडे 12 मंडे, थोड़े डंडे थोड़े अंडे। 12 संडे 12 मंडे, थोड़े डंडे फोड़े 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 अंडे। 12 संडे 12 मंडे, थोड़े। ठीक है जी, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली नकवी। अली क्या करते हैं आप? मैं एविएशन मैनेजमेंट कर रहा हूँ यहाँ से। कौन सा सेमेस्टर? सेकेंड। सेकेंड सेमेस्टर है, तो अभी तक आपका एक सेमेस्टर यहाँ यूनिवर्सिटी में गुजर चुका है, तो कैसा रहा आपका एक सेमेस्टर? एक सेमेस्टर तकरीबन 4 मंथ्स हमने ऑनलाइन स्टडी की है, और तकरीबन 2 मंथ्स ही तरह हैं। तो दोस्त बने कोई? जी। कैसे दोस्त बने, अच्छे कि बुरे? अच्छे बने हैं। चलो आगे चल के पता लगेगा कौन कैसा है। आप में टैलेंट्स क्या है ये बताओ? मैं फुटबॉल खेल लेता हूँ। गाना, शायरी? शायरी का शौक तो नहीं, वैसे कुछ कुछ शेर आते हैं, लेकिन या पॉलिटिक्स का शौक है। आप सुनाएं, कोई शेर सुनाएं जो आते हैं। कि मोहम्मद से फातूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है कि लोहो कलम हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या वो भी कर हम तेरे हैं। इसके अलावा? इसके अलावा किसका शेर आपका सुना? खाना बना लेते। बर्गर? बर्गर बना लेते। कैसे बनाते वो? मतलब आपको पता है शॉप से इजीली वो ब्रेड मिल जाती है, और पैटीज भी कैनन्स वगैरह काफ़ी ब्रांड्स हैं जिनकी मिल जाती हैं, उनको फ्राई करके बाकी मायोनीज वगैरह
सारा कुछ बन जाता है, कुछ डाल के। चलो आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, कुछ अल्फाज बोलूँगी उनको आपने रिपीट करना है। 12 संडे 12 मंडे, तोड़े डंडे फोड़े अंडे। 12 संडे 12 मंडे, तोड़े अंडे फोड़े डंडे, डंडे फोड़े अंडे, तोड़े डंडे फोड़े अंडे। 12 संडे 12 मंडे, तोड़े डंडे फोड़े अंडे। 12 संडे 12 मंडे, तोड़े डंडे फोड़े अंडे। 12 संडे 12 मंडे, तोड़े डंडे फोड़े अंडे। स्पीड में बोलो, रुकना नहीं है, पॉज नहीं आना चाहिए। 12 संडे 12 मंडे, तोड़े डंडे फोड़े अंडे। ये जो 12 संडे 12 मंडे के बाद जो पॉज आता है ना, ये नहीं चाहिए। अच्छा, कंटिन्यूअसली बोलो। 12 संडे 12 मंडे, तोड़े डंडे फोड़े अंडे। 12 संडे 12 मंडे, तोड़े डंडे फोड़े अंडे। 12 संडे 12 मंडे, तोड़े अंडे फोड़े। नहीं होता। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि अभी तक यूनिवर्सिटी में आप क्या मैसेज देना चाहोगे तमाम लोगों को यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, मतलब सुपीरियर क्या है या ओवरऑल? ओवरऑल स्टूडेंट्स को ओवरऑल यही है कि मतलब अच्छे से, मतलब स्टडी इंटर तक बंदा कर रहा है, आगे यूनिवर्सिटी आके पढ़ता है बंदा, लेकिन इन्जॉयमेंट उससे ज़्यादा होती है पढ़ाई से। आप भी ऐसे करते हैं जी? मतलब हमने कॉलेज तक कितनी मेहनत नहीं की, लेकिन अगर इधर आ गए ना, लेकिन हमें इतना पता चल रहा है कि जो स्टडी सेकेंड ईयर तक किया ना, उससे ज़्यादा हम इधर इन्जॉय भी करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम फातिमा कामरान। ठीक है, मौसम कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा है, लेकिन गर्मी है, लेकिन हाँ से अच्छा है, स्टेबिलिटी है, मतलब कि ठीक है जी। आप मुझे ये बताओ कि आपके टैलेंट्स क्या? मैं सिंगिंग करना वैसे पसंद करती हूँ, वैसे मैं मास कॉम की स्टूडेंट हूँ। मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट है, सिंगिंग अगर आप पसंद करती हैं तो एज अ प्रोफेशन अपनाना चाहती हैं इसको? नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ, एज अ प्रोफेशन आई डोंट वॉन्ट टू, यू नो, टू सिंगर। ओके, आपसे मैं एक क्वेश्चन कर लेती हूँ, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ऐसे कौन से मुल्क का फ्लैग है जिस पे अजदहा बना होता है? सॉरी आई डोंट नो अबाउट दैट। कोई और ऐसे कौन से दांत है जिनसे कुछ खाया नहीं जा सकता? आई कैन सिंग सॉन्ग इफ यू। ठीक है, आप गाना ही सुना। तेरे नाल मिलाइया अखियां, तेरे नाल मिलाइया अखियां। बस मतलब कि मैं सिंगिंग मुझे एज अ प्रोफेशन आई डोंट लाइक, मतलब कभी कभार जब दिल किया तो मैं इंडियन गाने ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। चलें जी, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। 12 संडे 12 मंडे, तोड़े डंडे फोड़े अंडे। 12 संडे 12 मंडे, तोड़े डंडे फोड़े अंडे। 12 संडे तोड़े अंडे, 12 संडे 12 मंडे, तोड़े अंडे, तोड़े डंडे फोड़े अंडे। अच्छा, फोड़े अंडे तोड़े डंडे, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। इतना नहीं है जितना आपको लग रहा है। कोई कोई अच्छी बात जी, अच्छी बात इनको आ रही है, बस जल्दी से शेयर। हमें चाहिए कि हम लोगों की हेल्प करें और लोगों को अप्रिशिएट करें जो वो करते हैं, ना कि उनको क्रिटिसाइज करें और बाद में उन्हें कहें कि यार ये आपने कैसे किया, ये आपने क्या किया। हम लोगों को चाहिए कि उनको हम क्रिटिसाइज ना करें, बल्कि उनको अप्रिशिएट करें ताकि वो और बेहतर करने की कोशिश करें। थैंक्स। सही, बहुत अच्छी बात किया आपने। खाना बना लेती? खाना मुझे नहीं, इतना इंटरेस्ट नहीं। चले कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सो वी वर स्टूडेंट्स के साथ चैट का गपशप का सिलसिला जारी है, उम्मीद है आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे, तो फिर कहीं मत जाइएगा, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। देखो यार, बड़ा ते हाल है, मेरी पार पटना रह गई, लातीली मेरी झोपड़ी को हाथ पैर से कहना रह गई। 12 संडे 12 मंडे, तोड़े डंडे फोड़े अंडे। 12 संडे 12 मंडे, आगे डंडे फोड़े अंडे। 12 मंडे 12 संडे, थोले मंडे थोले मंडे थोले मंडे थोड़े तोड़े 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 डंडे फोड़े अंडे। 12 संडे 12 मंडे, तोड़े डंडे फोड़े अंडे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए हम कुछ मजीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और हम उनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि कौन से ऐसे मुल्क का फ्लैग है जिस पे अजदहा बना हुआ है। आइए। अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली है। क्या करते हैं आप? मैं मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सेमेस्टर 6। क्या सीखा अभी तक यूनिवर्सिटी से? माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ सीख लिया है, जैसे कि? मैं बस इतना समझता हूँ कि जब मैं यहाँ पे लाहौर में आया था पहली बार, तो मुझे कुछ नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था, रहना भी नहीं आता था, सीखना भी नहीं आता था, डिग्री भी नहीं कर रहा। कहाँ से आए हैं? मैं जनूबी पंजाब से हूँ, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। यहाँ से बोलना सीखा और सब कुछ सीख लिया? सब कुछ ठीक है। लोगों के रवैये कैसे लगे आपको? लाहौर कैसा लगा? मुझे वैसे लाहौर में बहुत से लोग जो है ना अच्छे मिले। वैसे लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। कौन कहता है ये? मुझे वैसे अक्सर मुझे लोग कहते हैं। कौन है अक्सर वो लोग? मुझे बुलाओ सर हमसे। चलें, अब तो क्लास ख़त्म हो गई, क्लास में मिलवा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, उन्हें वो क्यों कहते थे कि बुरे होते हैं लाहौर? वो कहते हैं कि एक तो पहली बात यह कि रिक्शे वाले रास्ता सही नहीं बताते। वो मान लिया कि लाहौरी जो है ठीक रास्ता नहीं बताते, गाइड नहीं करते। इसके अलावा कहते हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं उनके साथ बदमाशी करते हैं। आपके साथ की किसी ने? मैं तो पहले कह चुका हूँ कि मेरे साथ देखे ना ऐसे गलत बातें बनी हुई। मैं पहले बता रहा हूँ कि जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है गुड हुआ है, बहुत अच्छा। क्योंकि ये जो नेचर है लोगों की, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। सिर्फ ये नहीं होता लाहौरी लोग हैं तो ऐसे होंगे, गुजरात के हैं तो ऐसे होंगे, गुजरावाला के हैं तो ऐसे होंगे। बहुत कम ये चीज़ें जो है वो मिलती हैं। आप मुझे ये बताओ कि कॉमन सेंस कैसी है आप? बस ठीक है, गुजारा है। गुजारा क्यों है? कैसे गुजारा कर लेते हैं आप ऐसी कॉमन सेंस? मैं आपको आंसर दे दूंगा तो समझे मेरी कॉमन सेंस ठीक जा रही है। अगर आपको नहीं दे सकूंगा तो मैं कहूंगा कि गुजारा है, आखिर कोई ना कोई गुजारा करना तो है। फिर क्वेश्चन करते हैं आपसे। क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से दांत हैं जिनसे कुछ खाया नहीं जा सकता? इंसान के हैं। आप बताएं इंसान क्या है? किस नहीं, आप बताएं ना इंसान, कोई इंसान ऐसा है जो अपने दांतों का इस्तेमाल नहीं करता खाते हुए? मुझे उस इंसान का बताएं। अच्छा, वैसे एक बुजुर्ग है, उनके ना थोड़े से दांत है ऐसे, लेकिन वो खा नहीं सकते। अच्छा, वो बुजुर्ग हो गए ना, लेकिन ये मतलब मुझे पहले ये बताएं कौन से ऐसे इंसान है। चले, एक पेशेंट भी है वैसे, वो जो है ना वो अपने दांत से कुछ नहीं खा सकता। चले, ये भी खैर गलत है। आप शेर के करेंगे, गाना गा लेते हैं? बस थोड़ा सराइकी में भी आता। चले, सराइकी में गाना सुनाएं और कोई पंजाबी में गाना सुनाएं। मैं आपको डोड़ा सुनाऊंगा सराइकी का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जाज़बा मलिक। जाज़बा मलिक, ते कु यार बनाते हाल दितम मेरी पाड़ पटेंदा रहेगी। मैं अपनी सराइकी में सुना रहा हूँ, अगर इशू तो नहीं है ये सराइकी में समझा। अब उर्दू में समझा दूंगा, उर्दू में समझूँ फिर मैं आपको बाद में। उर्दू में करें? नहीं, उसको साथ साथ ही उर्दू में भी ट्रांसलेट करें। देखो यार बनाते हाल दितम मेरी पाड़ पटेंदा रहेगी, इसका मतलब ये कि मैंने आपको ना अपना दोस्त बना के सब कुछ, सारा सब कुछ बता दिया है, आप पीछे पीछे से मेरी मुखालफत करती रही हैं। देखो यार बनाते हाल दितम मेरी पाड़ पटेंदा रहेगी, लातीली मेरी झोपड़ी को हथ पैर से कहना रहेगी। इसका मतलब है आपने मेरे घर को आग लगा के अपने हाथ पैर जो है ना वो उसके साथ नहीं पानी दे बदले पेट्रोल सटेना रहेगी। मतलब आपको चाहिए था कि आप मेरे घर के ऊपर जब आग लगी हुई थी तो आपको पानी फेंकना चाहिए था, लेकिन आपने पेट्रोल डाला है। बस ये खत्म हो गया। अरे वाह, बहुत जबरदस्त था। आप गाना सुनाएंगे? कोई गाना कोई खास नहीं था। चले, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाते हैं। 12 संडे 12 मंडे तोड़े धंडे फोड़े अंडे, बोलते जाएंगे। 12 संडे 12 मंडे 12 संडे 12 मंडे तोड़े अंडे फोड़े डंडे। अंडे को डंडे कौन फोड़ता है? डंडे तो तोड़ते हैं, अंडे फोड़ते हैं। अंडे फोड़ते, सही बिल्कुल। 12 संडे 12 मंडे फोड़े अंडे तोड़े डंडे। और भी बोलूं? जी 5 दफा ना नहीं है। 12 संडे 12 मंडे तोड़े अंडे तोड़े डंडे फोड़े अंडे। 12 संडे 12 मंडे फोड़े अंडे तोड़े डंडे। 12 संडे 12 मंडे थोड़े अंडे थोड़े डंडे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हैदर। हैदर, कौन से सेमेस्टर में? मेरा भी फर्स्ट सेमेस्टर है। फोर्थ सेमेस्टर है। कितने दोस्त बना चुके हो? बहुत सारे। बहुत सारे क्यों? लोग आपके बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं, अच्छे बहुत हैं। हाँ, शायद इस वजह से, नेचर की वजह से। अच्छा, क्या क्या ऐसी नेचर काम आती है दोस्त बनाने के लिए? सबसे बात जाके खुल इजीली मैं कर लेता हूँ। इजीली कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, तो हैदर, आप मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके फ्लैग पर अजदहा बना हुआ है? अजदहा बना होता है?
अजदहा क्या होता है? अजदहा सांप होता है ना, या आपको अजदहा का नहीं पता? नो आइडिया। नो आइडिया, अजदहा का नहीं जिससे पता उसे तो वाकई कोई आइडिया नहीं होगा। आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा जानवर है जो जुबान नहीं इस्तेमाल कर सकता? ऐसा कौन सा जानवर है जिसे जो जुबान नहीं इस्तेमाल कर सकता? खाते वक्त। यस। पर नहीं पर। अच्छा खाना पका लेते हो? इतना खास नहीं, थोड़ा बहुत। क्या 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 पका लेते हो? मैं वो चीज़ टोस्ट बना सकता हूँ। चीज़ टोस्ट की चले रेसिपी शेयर। चीज़ टोस्ट की आपने सबसे पहले टोस्ट लेने हैं, उनको आपने टोस्टर में डाल देना है, फिर आपने चीज़ लेनी है वो मेल्ट करनी है, फिर टोस्टर से टोस्ट आपने निकालने हैं वो चीज़ के ऊपर, और वो चीज़ आपने टोस्ट के ऊपर स्प्रेड कर देनी है, स्प्रेड आउट करके टोस्ट के ऊपर टोस्ट डाल के फिर आपने टोस्टर पर डाल लें उनको 5 मिनट के लिए ग्रिल करके फिर निकाल लेते, फिर आपके चीज़ टोस्ट तैयार हो जाए। चलें सही है, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाऊँगी। 12 संडे 12 मंडे तोड़े डंडे फोड़े अंडे। 12 संडे 12 मंडे आगे थोड़े डंडे फोड़े अंडे। 12 मंडे 12 संडे थोले मंडे थोले मंडे थोले मंडे थोड़े तोड़े तोड़े डंडे फोड़े अंडे तोड़े डंडे फोड़े अंडे 12 मंडे 12 मंडे 12 मंडे 12 संडे तोड़े मंडे थोड़े यार ये नहीं होगा बोलते जाओ 12 मंडे 12 अंडे तोड़े बंदे तोड़े डंडे 12 मंडे 12 संडे तोड़े डंडे तोड़े अंडे फोड़े अंडे 12 मंडे 11 डंडे फोड़े अंडे फोड़े डंडे ये नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? सैयद अज़ान। कौन से सेमेस्टर? फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर है। अच्छा आपकी फ्रेंडशिप 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ? बस वो पहले से थोड़ा जान पहचान थी और कुछ यहाँ आके ज़्यादा हो गई। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि क्या नाम बताया था आप? सैयद अज़ान। अज़ान, अज़ान आप मुझे ये बताओ कि टैलेंट्स क्या हैं आप में? टैलेंट्स तो अभी है सच कुछ नज़र नहीं आए, पर कोशिश है कि कोई ना कोई नज़र आ जाए। ठीक है, कितने दोस्त बना चुके हो? दोस्त ऑलमोस्ट 6 हैं। 6। यूनिवर्सिटी की कौन सी आदत सबसे, यूनिवर्सिटी की कह रही हूँ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की सबसे बुरी आदत क्या लगती है? बुरी आदत ये है कि मतलब क्या नाम, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो काम से होते हैं और शुगल करना मजाक करना। नहीं वो शुगल तो होता है ना, लेकिन वो मतलब छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, ये बात ज़रा नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्त है तो फिर गुस्सा वगैरह नहीं होना चाहिए। okay. तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मेरा यही मैसेज है कि आप यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर आएँ तो यूनिवर्सिटी लाइफ को इन्जॉय करें। आप जिस तरह यूनिवर्सिटी लाइफ में आगे अंदर इन्वॉल्व होते जाएंगे आपको मजीद चीज़ें जो आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा, तो आप अगर आएँ तो फिर कुछ सीख के यहाँ से निकले। आपने क्या सीखा अभी तक? मतलब अभी तो मेरा तो बिल्कुल भी स्टार्ट है ना, तो मेरी भी कोशिश है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सीखता जाऊँ, और अभी तक तो मतलब कि मैं सीखने के मराहल में। ठीक है फिर गाना सुना दें आप। गाना मेरी आवाज़ से आपको पता चल ही रहा है कि मैं गाना नहीं गा सकता। मुझे पता नहीं चला। मैं मुझे गाना नहीं आता। शायरी? मुझे पोइट्री का बिल्कुल शौक़ नहीं है। क्या शौक है फिर? खाना पका लेते हो? क्या पका लेते? खाना बेकिंग में मुझे इंटरेस्ट है, बेकिंग कर लेता हूं। कुछ कर लेते हो? बेकिंग कर। वाओ ठीक है, फिर क्या कौन सी रेसिपी शेयर करो? रेसिपी आपको चिकन ब्रेड की रेसिपी दे देता हूँ। चिकन ब्रेड के लिए आपको जो राइजिंग फ्लावर है वो सेल्फ राइजिंग फ्लावर चाहिए, 6 ounces बटर चाहिए, एक चिकन ब्रेस्ट चाहिए। आपने सबसे पहले चिकन ब्रेस्ट को बॉयल कर लेना है, उसके बाद उसको बॉयल करके श्रेड कर लेना है। ऑयल में अपने प्याज सौते करने हैं, उसके बाद उसके अपने वो प्याज हल्का सा सौते करके उसके बाद उसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा डाल देना है। मैदा डाल के उसके अंदर आपने एक पूरा जो कप है वो दूध का डालना है। दूध डाल के आपने उसको अच्छी तरह स्टेयर करना है और वो जो है वो थिक सा हो जाएगा। उसके बाद आपने उसके अंदर वो जो चिकन ब्रेस्ट श्रेड किया हुआ है वो डालना है। उसके बाद उसके अंदर नमक, काली मिर्च और आपके जो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग है वो मसाले डालने हैं। उसके बाद आपने उसको मिक्स करके जो आपने उसके बाद जब आपने डो तैयार करनी तो आपने दो जो 6 ounce सेल्फ राइजिंग फ्लावर है उसके अंदर ईस्ट डालनी है 2 टेबलस्पून। उसके बाद उसको गर्म पानी से गूंद के 2 घंटे के लिए छोड़ देना। उसके बाद आपने उसको बेल के चिकन स्टफिंग डालनी है और उसको आपने बेक करने रख देना है 180 पे 20 मिनट्स के लिए बेक करना है। ज़बरदस्त, इतने स्मूथली तो कोई लड़की भी कोई रेसिपी शेयर नहीं करती जिस ज़बरदस्त तरीके से आपने की है। मैं बना चुका काफ़ी दफ़ा तो अब मुझे आइडिया हो गया। अच्छी बात है, लड़कों को तो मैं कहती हूँ खाना बनाना आना चाहिए। मुझे तो बल्कि मेरा शौक जो है मेरे फादर से ही है, उनको काफ़ी शौक है कुकिंग। अच्छा आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? 12 संडे 12 मंडे तोड़े डंडे फोड़े अंडे इसको बोल। 12 संडे 12 मंडे, सॉरी रिपीट कीजिएगा। 12 संडे 12 मंडे तोड़े डंडे फोड़े अंडे।
बारह संडे बारह मंडे तोड़े डंडे फोड़े अंडे, 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 बारह संडे बारह मंडे तोड़े डंडे फोड़े अंडे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। वीवो स्टूडेंट्स के साथ चैट चैट का सिलसिला जारी है, आप कहीं मत जाइएगा, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां हाय। चटपट चटाचट सफा चट फटाफट, चटपट चटाचट सफा चट फटाफट, चटपट चटाचट सफा चट फटाफट। बारह संडे बारह मंडे, बारह संडे बारह अंडे तोड़े, अंडे तोड़े। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए हम कुछ मजीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि रेनबो के एंड पर क्या आता है। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारून है। शारून, आप कौन से सेमेस्टर में? आई मीन सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर, अभी तक आपकी यूनिवर्सिटी के तकरीबन एक साल कंप्लीट होने वाला है, तो आपको कैसे लगा यूनिवर्सिटी का ये जो टेन्योर है, और आप क्या कहते हैं कि क्या मैसेज देंगे स्टूडेंट्स? मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी लेवल की स्टडी जो है ना, एक जो भी स्टूडेंट होता है उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो स्टडी हम स्कूल में और कॉलेज में जो हम हासिल करते हैं वो बंदे को इतना जो है ना फिज़िकली और मतलब मेंटली जो है ना उन्हें ब्लूम नहीं करती, उन्हें ग्रो ब्लूम नहीं करती। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टडी करना जो है ना आपको एक्सपीरियंस वाइज भी और आपको और भी बहुत सारे मतलब दुनिया कह लो कि दुनिया में रहते हुए आपको बहुत तरह से आपको बताता है कि आप हाउ यू कैन लाइक आप बाहर निकलते हो, आप नए लोगों से मिलते हो और आप नए लोगों के साथ बातचीत करते हो, तो वो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल और आपके बहुत सारी आपकी एबिलिटीज़ होती है जो आप उनको स्पार्क करती है और उनको बाहर निकालती हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी ज़ुबान हिला नहीं सकता? ऐसा कौन सा जानवर है ज़ुबान नहीं हिला सकता? काफ़ी मुश्किल सवाल है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है। टाइम है मिलने सोचने का, थोड़ा नहीं सोच लेंगे लेंगे। ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी ज़ुबान हिला नहीं सकता? कबूतर? ओह नो, नहीं, जानवर की मैंने बात की है, कबूतर तो परिंदा है ना। अच्छा, आज आपको पता लगा। अच्छा चलो छोड़ो, आप मुझे बताओ आप शेयर क्या करोगे, आपने टैलेंट्स क्या हैं? वेल, मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। ठीक है, फिर आप गाना सुनाओ। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां हाय। करांगे रोज रोज बह के, सच्चियां मुहब्बतां निभा के, सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के, दिल दियां गल्लां हाय। करांगे नाल नाल बह के, सच्चियां मुहब्बतां निभा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? यासित अली। क्या कौन से सेमेस्टर में? सेकंड। सेकंड में है, कैसे दोस्त मिले हैं आपको? अच्छे मिले हैं अभी। बुरे नहीं मिले? नहीं। बुरे मिल सकते हैं? जैसी नेचर होगी वैसी फ्रेंड मिलेंगे। क्या आपकी नेचर कैसी है? मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। अच्छी नेचर कौन सी होती है? जिसमें यानी कि अच्छा ही बात करें, बिहेवियर अच्छा हो तो। बिहेवियर अच्छा हो, सही है, तो हमेशा आपका बिहेवियर एटीट्यूड अच्छा रहे। अल्लाह अभी तक तो अच्छा है। चलें ठीक है, आपसे क्वेश्चन मेरा ये है, ऐसे कौन से दांत है जिनसे खाया नहीं जा सकता? दांतों से नहीं खाया जाता द्वारा? कौन से दांत हैं जिनसे आप खाया नहीं जा सकता, ऐसे कौन से दंदे हैं दांत हैं? पता नहीं। पता नहीं, क्यों नहीं पता? कभी सुना नहीं। क्या शेयर करोगे? मैं ये बोलूँगा 10 दफ़ा, चटपट चटाचट सफा चट फटाफट, 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 चटपट चटाचट सफा चट फटाफट। क्या बात है। अच्छा शायरी कर लेते हो? नहीं।
नहीं करते गाना? नहीं, गाना भी नहीं आता। कभी गाएंगे? ट्राई भी नहीं करोगे? आज गा लो कोई पाकिस्तान का पुराना गाना। आता ही नहीं कभी पढ़ाई। मुस्लिम का कोई गा दो, वो लम्हे वो बात। आता ही नहीं मुझे गाना, मैं सुनता ही नहीं। चलें कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया जी, हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद, आप मुझे? नबील। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि कौन से सेमेस्टर में? मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ। सेकंड, कौन सी बुरी चीज़ लगती है आपको यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की? आप कहना चाहिए बिहेवियर नहीं अच्छे होते भाई। यहाँ तो पढ़ने लिखने आती है आवाम, बच्चे, उन्हें तो बिहेवियर आ जाने चाहिए यूनिवर्सिटी आ बस आ जाने चाहिए। ये हमारे ब्रॉट अप जो होता है ना, बचपन से स्कूल से इस तरह बिहेवियर बताया जाता है लेकिन हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो हमारा बचपन से ही मेरा देश है। सही है, तो आप मुझे ये बताओ कि आप में टैलेंट्स के गाना गा लेते हो? शायरी? नहीं। कोई शेर भी नहीं जिंदगी में? कभी कोई शेर नहीं आता? नहीं, शेर नहीं मेरा। बस वैसे मैंने जो अपनी डिग्री भी चूज़ की थी ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ना ओबीस, बहुत मोटा था, तो मैं यानी कि आप लाइफ में यानी कि डिप्रेस आपको आपके सराउंडिंग बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देती है, तो मैंने खुद ही एक तो आप इतने यानी कि ओबेसिटी आपने बताया कि उसमें आते थे 5 से अबव था, अब तो बिल्कुल नॉर्मल है। कैसे किया है पहले तो आप सबसे पहले ये टिप शेयर करें कि इतना वेट आपने लूज़ किया, क्या कैसे किया इतना? मेरे खुद ही मेरे अंदर वेल पैदा हुई कि यार मैं खुद कर सकता हूँ। एक्चुअली मेरे एक साल इसी में वेस्ट हुआ, मैंने खुद ही नेट पे सर्च किया, यूट्यूब वगैरह फर्दर रिसर्च की, खुद ही जो था आज जो मतलब मेरा माइंड भी 30 kg मैंने वो रिड्यूस किया है, वो मैंने खुद ही अपने उससे किया है। ये तो बताएं ना कैसे किया है, खुद ही कैसे? क्या डाइट थी, क्या प्लान था? सिंपल चीज़ थी, डाइट थी आपकी, एक्सरसाइज आपकी नेसेसरी होती है एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, जो बन रहा हूँ डाइट आपकी बहुत डिपेंड करती है कि आप किस वक्त खाते हो, किस वक्त सो रहे हो, आपकी टाइमिंग बहुत डिपेंड करती है और क्या खा रहे हो, हेल्दी खा रहे हो। ये नहीं होता कि आप हेल्दी खा रहे हो, ये होता है कि आप टाइमिंग में क्या खा रहे हो और किस चीज़ टाइमिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे बहुत ज़्यादा लोग ये होते हैं कि रात को 12-12, 1-1 बजे खाना खा रहे हैं, ये तो बहुत ट्रेंड है। अब फोर्स तो बहुत, आप दूसरी कंट्रीज में चले जाएँ, वहाँ पे यही होता है कि वो 6 PM तक वो अपना डिनर वगैरह कर लेते हैं। यही किया मैंने, ये मैंने 7:30 से अब ऊपर नहीं किया, मैंने अपने डिनर वो किया, अपने पे जो कैलरीज काउंट था यानी कि मैं रोटी खानी भी है, फॉर सपोज मैंने रोटी क्विट कर दी, उसकी जगह अगर क्रेविंग होती थी तो सैलड का जो लीफ होता है उसको रोटी की क्रेविंग की जगह उसको कवर किया, यानी कि उससे मैंने अपनी क्रेविंग को ख़त्म करने की कोशिश की। आज से टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, 12 Sunday 12 Monday, थोड़े डंडे फोड़े अंडे। 12 Sunday 12 Monday 12 Sunday 12 Monday थोड़े अंडे थोड़े 12 Sunday 12 Monday 12 Sunday 12 Monday थोड़े डंडे फोड़े अंडे, थोड़े डंडे फोड़े अंडे, 12 Sunday 12 Monday थोड़े डंडे फोड़े अंडे, 12 Sunday 12 Monday थोड़े अंडे फोड़े। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा क्योंकि आज हम यूनिवर्सिटी में थे और यूनिवर्सिटी में हम जब भी आते हैं तो हमें काफ़ी टैलेंट मिलता है जो कि बच्चों में होता है, तो क्वेश्चंस की बात करें जिसका आंसर किसी स्टूडेंट ने नहीं किया, इनके दिमाग बिल्कुल काम नहीं करते, इनकी कोई जनरल नॉलेज नहीं है। अच्छा जी, मैं आंसर्स की तरफ आती हूँ। आंसर ये था, ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके फ्लैग पर अस्तहा बना हुआ है, वो है भूटान। और दूसरा क्वेश्चन हमने ये पूछा था कि ऐसा कौन सा जानवर है जो ज़ुबान नहीं हिला सकता, वो है क्रोकोडाइल। और रेनबो के एंड पे W आता है। और ऐसे कौन से दांत हैं जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी काम, जिनसे खाया नहीं जा सकता, ऐसे कौन से दांत हैं, वो है कंघी के दांत, दंदे। तो ये सवाल के जवाब थे, उम्मीद है आपने इन्जॉय किया होगा। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।